कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं स्ट्रेस किचन और ब्यूटी टिप्स में हम मटर पुलाव सिखा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब कुछ चीज़ें इस पर ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा हमने चेंज किया है। मतलब इसमें हमने हरी प्याज डाली है और हमने ये शिमला मिर्च डाली है, कैप्सिकम, तभी हम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये हमने मटर ले लिए, 1 किलो मटर ले लिए और वो हमने प्याज ले लिए 4-5, शिमला मिर्च हमने 1 लिए और ये प्याज जो है हमने 2 लिए, 2 छोटी ले लें आप और बड़ी लें तो फिर 1 ले लें। और ये कुछ हमने लहसुन अदरक है, जिंजर और गार्लिक, इसको हमने क्रश कर दिया। और ग्रीन चिली ली है हमने 4 अदद, थोड़ा सा धनिया ले लिया है। वैसे इसमें आप पुदीना ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पुदीने की असल में से पुदीने की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। एक ग्रीन चिली और एक पुदीना, जब मिंट डालते हैं तो उसकी खुशबू अलग आती है। और ये हमने राइस ले लिया है, कम से कम 1.5 ग्लास लिए हमने। थोड़ा सा हमने कुछ ये गर्म मसाला ले लिया है, ठीक है, मिक्स हॉट स्पाइसी, तो ये हमने ले लिया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे, तो प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर हमने ये किया है, इसको पहले से हमने बॉईल कर लिया है ताकि ये जल्दी से बन जाए, हमें देर ना लगे, वरना अगर हम क्योंकि कभी मटर अच्छे से गलते हैं कभी नहीं गलते, तो इसको हम पहले से बॉयल करके रखेंगे तो ये जल्दी बनेगी। फिर आपसे अभी आपको आगे दिखाते हैं। हाँ, 2 चम्मच हमने उबाल लिए और हम गरम मसाला जो है ना इसको थोड़ा सा हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम प्याज डालेंगे। हमने ऑनियन डाली है इसमें और इसे हम पूरा अच्छी तरह ब्राउन नहीं करेंगे, इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे लाइट टाइप सा। हमने साथ हरी प्याज में साथ डाल दिए और इसको भी हल्का सा हम सौते कर देंगे। ये बॉइल किए हुए मटर हमने डाल दिए था, फ्राई कर देंगे हल्का। ग्रीन चिली हमने साथ डाल दिए इसको और ये इसमें पिंक सॉल्ट डाल रहे हैं, अभी हमने 1 टेबल स्पून डाला है, ठीक है, बाद में हमें 1 और डालेंगे। और ये थोड़ा सा हम गर्म मसाला पिसा हुआ सब, थोड़ा सा हम पिसा हुआ भी डालेंगे। जब हम इसको फ्राई कर दिया उसमें हम पानी डाल देंगे, ये हमें 4 ग्लास पानी डाला है इसमें। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे, ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें राइस डाल देंगे, ठीक है। हमने चावल बॉईल होने के लिए डाल दिए, अब ये थोड़ी देर में चावल बॉईल हो जाएंगे। और शुरू में आप इसकी आंच तेज़ रखेंगे ताकि चावल अच्छी तरह से ज़रा फूलने शुरू हो, और जब ये अच्छा ज़रा गर्म हो जाएगा तो फिर आप हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे और आखिर में इसमें आप ऊपर से धनिया या और पुदीना डाल देंगे। 1 चम्मच पहले हमने नमक डाला था, ये 1 स्पून हम एक और डाल रहे हैं पिंक सॉल्ट। ये देखिए हम थोड़ा सा इसमें एक साइड पर हल्का सा कलर डाल रहे हैं जर्दे का, ताकि ज़रा इसका रंग अच्छा आ जाए, बस थोड़ा सा डालेंगे, बाकी ये खुद ही अच्छा हो जाएगा, खुद ही मिक्स हो जाएगा। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे ये कैसा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए ये मटर पुलाव हमारा बन गया है और देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। अब आप लोग भी इसे बनाइएगा और मज़े लेके खाइएगा। और देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल लाइट सा, हैवी भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार है। आप भी खाइएगा और दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।